आईटीबीपी कांस्टेबल 2024 न्यू वैकेंसी का यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है। काफ़ी कैंडिडेट का जो इंतज़ार कर रहे थे ड्राइवर की भर्ती का, वो भर्ती के आ चुकी है मेरे दोस्तों। आप भर्ती के बारे में हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी है वो आपके सामने निकल के आया है दोस्तों। इसके बारे में आपका जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाला है और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले है वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे, और कौन से आपकी कैटेगरी में कितना वैकेंसी आपको मिल रहा है। सबसे पहले आप बात करते हैं कि आपका जो टोटल वैकेंसी कितना है। ये आपका जो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर्स की 545 टोटल वैकेंसी आपके सामने निकल कर आई है। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी आपका 545, उसमें से आपका यूआर की वैकेंसी है 209 टोटल वैकेंसी है। एससी कैंडिडेट हो तो आपका 77 आपका वैकेंसी है। एसटी कैंडिडेट के लिए 40, ओबीसी है 164 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपका 55 वैकेंसी है। इस प्रकार आपका जो वैकेंसी रहेगा टोटल वैकेंसी है वो 545 टोटल वैकेंसी है। बहुत ही बढ़िया भर्ती आपके सामने निकल के आई है दोस्तों, और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका 100 रुपीज़ रहने वाला है। वो भी क्या है कि आपको जनरल कैंडिडेट हो तो, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये क्या रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई इसका चार्ज नहीं लगने वाला है। और आपका क्या है कि जो क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन रहने वाला है इसमें आपका है वो 10th पास रहने वाला है। और आपका एज लिमिट की बात करें कि आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो आपका एज लिमिट है वो आपका रहने रहेगा 21 से 27 साल के तक आपका एज रहने वाला है। और आपका जो 10th पास के साथ साथ आपको क्या चाहिए कि आपका जो हेवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास हेवी व्हीकल लाइसेंस नहीं है तो आपको पहले अपना हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है। अन्यथा आपको जो डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस की बात करें तो आपका जो एसएससी जीडी का सिलेबस रहता है बस वही सिलेबस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो आपका जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, तो आपका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपका रिटन एग्जाम टेस्ट, और आपका फिर रहेगा आपका स्किल टेस्ट, और आपका फिर रहेगा आपका डीएमई और आरएमई। इस प्रकार से है वो आपका टोटल है वो आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको ये फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या है कि कंप्लीट जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। और आपका जो फॉर्म स्टार्ट है वो कब से होने वाले है, वो आपके फॉर्म है वो बता दो दोस्तों। आपके जो 8/10/2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले है। और आपका जो क्लोजिंग टाइम की बात करें तो आपका क्लोजिंग टाइम रहेगा 6/11/2024 को आपका यह है कि फॉर्म है वो फिल होना बंद हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्म है वो आपका 8/10/2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले पहले आप अपना क्या है कि जो आपका हेवी ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवा लेना है, तो आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका क्या है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।